हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मैंने झाड़ू लगा ली है और आजकल मेरी बेटी घर पे है तो हेल्प करती है। और पोछा लगाने का उसे बहुत शौक है। मम्मी मैं पोछा लगाऊँ? मैंने कहा चलो बच्चे करेंगे तो सीखते हैं, करते करते ही बच्चे सीखते हैं। और मेरी बेटी आजकल काम में बहुत हाथ बटा रही है, और घर हाथ तो सब भी बटा रहे हैं, घर में सभी हैं इस टाइम, घर में सभी बटा रहे हैं, हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो बेटी कोई भी। और मैं पोछा नहीं लगा सकती हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है बैठने में, मेरी कमर में दर्द रहता है तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ। बैठ के क्या, खड़े होकर मैं पोछा लगा ही नहीं पाती हूँ। और झाड़ू भी बड़ी मुश्किल से ही लगती है मेरे से। तो बस मेरी बेटी यहाँ पर लोट पोट होके लगा रही है पोछा। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे आज आपसे कुछ बातें करनी हैं, जो मेरी बहनें हैं उनसे बातें करनी हैं। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो चाहे स्किप कर लीजिएगा, लेकिन पूरी देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहली बार आज मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन है उसे भी ऑन कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ और लाइक कमेंट भी करना। तो यहाँ पे मैं काम निपटाकर आ गई हूँ सारा, और मैं लंच में बना रही थी खिचड़ी, तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। और मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी पानी में, गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, क्योंकि अच्छा लगता है भिगो के रखने में। डायरेक्ट अगर मैं खिचड़ी में डालती हूँ तो हल्की हल्की वो कच्ची कच्ची सी लगती है, तो मैं भिगो के ही डालती हूँ। और भिगोते टाइम पे मैंने उसमें हल्का सा नमक डाल दिया था, और बस जब ठंडी हो गई मैंने उसे निचोड़ के साइड में रख लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कुकर में बस तेल गर्म हो गया था, मैंने उसमें हल्का जीरा डाला है और प्याज डाले हैं लंबे लंबे करके, ज़्यादा बारीक भी नहीं करें। और जो हल्के से हो गए थे मैंने उसमें डाल दिए हैं टमाटर, और जब तक टमाटर होगा और मैं तब तक उस अपने जो रायता है रायता बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को रायता खिचड़ी के साथ पसंद है, बच्चे भी लेते हैं, बच्चों को भी पसंद है, पर मैं जो है रायता नहीं लेती हूँ खिचड़ी के साथ। और घी भी मैं ले लेती हूँ कभी कभार, ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ खिचड़ी के साथ अगर मुझे चटनी मिल जाए, हरे धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी, तो मुझे बहुत स्वाद लगता है। पर रायता, दही, मट्ठा ये मैं नहीं लेती हूँ। और बस इसमें दो पैकेट मट्ठा डाला है, बूंदी डाली है, और काला नमक डाला है मैंने, और काली मिर्च डाली है पीसी हुई। बस मसाले डाल दिए हैं जैसे डेली के मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च नमक, धनिया वनिया मैंने डाला नहीं है, ज़्यादा मसाला भी नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी सिंपल मसाले में बनाओ तो सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, बहुत टेस्टी बन जाता है, सिंपल तरीके से भी बहुत टेस्टी बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा तामझाम करो तो चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो बस उसमें मैंने बड़ियाँ डाल दी है और आलू डाल दिए थे, उन्हें थोड़ा सा मैंने भून लिया था, और नमक भी डाल दिया था स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने चावल डाले हैं, चावल भी मैं थोड़ी देर भून के उसमें, ताकि मसाला मिल जाए सब में, फिर मैंने इसमें पानी डाला है। और मैं अक्सर क्या, हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक, आपका स्वागत है दोबारा से। और मैं लंच करके दिन में सो गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो आपसे बात भी करनी है, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मेरी एक बहन के बारे में, कि क्या जिसका पति नहीं होता है क्या उसे जीने का हक नहीं है, या उसे कुछ करने का हक नहीं है? पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि एक बहन है उन जो यूट्यूबर हैं, और उनके चैनल पे कमेंट है, एक बार नहीं मैं काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ। पहले तो उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, कैसे हुई, वो 10 बार क्या हज़ारों बार बता चुकी हैं कि उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, फिर भी बताने के बाद भी उनके, मतलब वो कहते हैं ना, जख्मों को कुरेदने वाली बात हो जाती है बार बार पूछना, ठीक है। उन्होंने फिर वो दोबारा बताया, डिटेल में बताया, अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपको चैनल बंद कर देना चाहिए, आपके हस्बैंड नहीं हैं। तो ये तो कोई बात नहीं होती, अगर हस्बैंड नहीं है तो चैनल बंद कर देना चाहिए, ये कोई बात नहीं होती है। उन्होंने जो खोया है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप एक बार थोड़ा सोच के बैठिए कि हस्बैंड के बिना औरत की ज़िंदगी क्या होती है। कहते हैं ना कि जब माँ बाप के घर रहती है लड़की और माँ बाप नहीं रहते हैं तो लड़की अनाथ होती है, और जब लड़की की शादी हो जाती है तो जब पति नहीं रहता लड़की तब अनाथ हो जाती है। वो किस तरह रह रही है, किस तरह अपनी बिटिया को संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, खुशी बांट रही हैं, गम तो उनके अपने हैं ना, वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाती हैं, अकेले में रोती हैं लेकिन सबको खुशियाँ बांटती हैं।
इस तरह की बातें उन्हें कहना ये कोई बढ़िया बात नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है और ना ही वो करना चाहती हैं, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती हैं। तो क्या इतना काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए? आप लोग बार बार कहते हैं कि हस्बैंड के नाम पे व्यूज़ ले रही है, हस्बैंड के नाम पे व्यूज़ ले रही है, वो हस्बैंड की ऐसी कोई बात तो आपके साथ नहीं कर रही है। हाँ, जब उन्हें विश मिस करती हैं तब बताती हैं कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड को मिस किया है, ये क्या है वो क्या है। तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से एक औरत के लिए इस तरह की बातें करना। और जो बातें कर रही हैं ना वो भी एक औरत ही हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं बात करूँ उनके बारे में, पर अच्छा नहीं लगता ना किसी पे इतना बातें बनाना, बात छेड़ना, क्योंकि किसी के जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए, क्योंकि हाय मिलती है, दिल दुखता है। तो खुशियाँ बांटनी चाहिए, किसी के दुख नहीं उठाने चाहिए, दुख नहीं निकालने चाहिए, दुख उनके ख़त्म करने चाहिए। और सच में वो बहुत प्यारी हैं, मैं कहती हूँ उनकी वीडियो देख के मुझे हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। एक जीने का तरीका सीखने को मिलता है उनसे कि कैसे गम में रह के अपने आंसू को छुपा के कैसे जिया जाता है, खुशियाँ कैसे बांटी जाती हैं, कैसे हंसा जाता है। और वो बहुत हंसमुख है। प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत कीजिए, उन्हें दुखी मत कीजिए। वो जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। वो आपको तो कुछ नहीं कह रही है, आपको तो कोई परेशान नहीं कर रही हैं, वो अपने ब्लॉग बना रही हैं और आपको दिखा रही हैं, अपनी डेली रूटीन दिखा रही हैं, तो आप वो देखिए बस। उससे ज़्यादा आप क्यों बोलते हो? तो बस मुझे इतना ही बात करना था उनके लिए, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। और मैं सच में जब भी उनकी वीडियो देखती हूँ, उन्हें देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे रोना आ जाता। और आज भी उनकी वीडियो देख के मुझे रोना आ गया, सच में मेरा दिल भर आया उनको देख के। तो बस वीडियो को मैं एंड करूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर क्या होगा, वीडियो लंबा होगा, आप लोग क्या करोगे, शुरू का देखोगे और छोड़ के भागाओगे। और मैं इतना भी कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो लंबी लगेगी आप थोड़ा सा स्किप कर लेना, लेकिन ये लास्ट वाला जो मेरी बात है प्लीज़ ये जरूर देख लेना, इसे स्किप मत करना प्लीज़। तो ठीक है, अगर आपको मेरी किसी को भी मेरी बात बुरी लग रही है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किन्हें ये मेरी बात बुरी लग रही है, और अपने विचार मुझे बताइएगा कमेंट करके। कुछ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, जैसा सबको मिल रहा है ऐसे प्लीज़ मुझे भी अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मेहनत जिस तरह से कर रही हूँ उस तरह से मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो फिर बुरा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो है, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और खुशियाँ बांटिए, बस और कुछ नहीं कहना है। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।